टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर का इसमें सभी क्वेश्चन है. प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर. इसके अंदर ये क्वेश्चन है. और जो अपरिमेय संख्या है वो किस प्रकार की होती हैं, इरेशनल जो नंबर हैं उनको कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं. कैसे करेंगे देखो, पहले इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, और जो प्राइम नंबर हैं उनके जो रूट करते हैं हमें वो सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं. प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ. प्राइम नंबर केवल वो संख्या होती हैं जो अपने आप से और एक से डिवाइड होती हैं. जैसे इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, इन सभी संख्याओं के केवल दो ही फैक्टर हैं. और यदि इन प्राइम नंबर का हम स्क्वेयर रूट लेते हैं, 2 का स्क्वेयर रूट, 3 का, 5 का, तो ये सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं. दूसरा, इरेशनल जो नंबर हैं उनको इरेशनल नंबर कैन नॉट राइट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इस फॉर्म में उनको हमें लिख नहीं सकते. तो इसके बारे में हमने प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे, ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. तो ये इरेशनल नंबर हमने प्रूव करना है. वैसे 5 जो है प्राइम नंबर है, और इसका रूट मैंने अभी बताया था कि वो सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं. लेकिन प्रूव करने के लिए हम इसको सबसे पहले लिखेंगे, लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर. हमने इसको मान लिया कि जो रूट 5 है वो रैशनल नंबर है, जिसको हमें a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इन दोनों को a बाई बी इज इक्वल टू है रूट 5 एट स्क्वेयर बोथ साइड. स्क्वेयर करेंगे हम दोनों साइड में, तो a स्क्वेयर और नीचे b स्क्वेयर इज इक्वल टू है रूट 5 का स्क्वेयर. रूट 5 से रूट कट गया, और नीचे ए स्क्वेयर बटे बी स्क्वेयर बराबर है 5/1. क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ, तो ए स्क्वेयर की 1 के साथ गुणा होगी 5 की बी स्क्वेयर के साथ, तो ये इक्वल हो गए इसके अनुसार. तो यहाँ पर जो ए स्क्वेयर है, ये ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5. ये जो ए स्क्वेयर नंबर है ये 5 से डिवाइड होगा, इसका स्क्वेयर स्क्वेयर भी होगा और बिना स्क्वेयर भी होगा. जैसे a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वेयर. पुट यहाँ पर a की वैल्यू हम चेंज करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5k. यहाँ पर जो है 5k रखेंगे, k की जगह हम और कुछ भी पुट कर सकते हैं. तो a की जगह हमने 5k स्क्वेयर पुट कर दिया, इस साइड का एज इट इज रखा. 5 का स्क्वेयर 25, k का स्क्वेयर एज इट इज 5b स्क्वेयर. अब 5b स्क्वेयर को पहले लिख दिया हमने, इसको पीछे लिख दिया. अब 5 यहाँ इस साइड में ले गए, इसको हमें 5 से 25 को काट दिया, तो 5k स्क्वेयर आ गया. ये बी स्क्वेयर इज इक्वल टू है 5k स्क्वेयर. जिस प्रकार ऊपर था ये टर्म, उसी प्रकार आ गया हमारे पास. तो इसमें भी 5 जो है डिवाइड करेगा किसको, बी स्क्वेयर को और बी को. नाउ बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5 एंड बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5. अब जो 5 है इसको भी डिविजिबल कर रहा है, और जो ऊपर किया था हमने जो 5 है वो ए स्क्वेयर को भी डिविजिबल कर रहा है. तो 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन जो ए स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर आर को प्राइम है. जितने भी बटे की जो संख्या लिखी जाती हैं, जैसे 3/4 है, 5/7 है, ये सभी संख्याएँ को प्राइम होती हैं, क्योंकि हमने a बाई बी जो प्राइम नंबर संख्या प्रीमेय संख्या ली है, तो ये को प्राइम है, और को प्राइम संख्याओं का फैक्टर नहीं होते. तो इसलिए 5 जो है, 5 इज डिविजिबल ओनली ए स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर. 5 जो है केवल एक को डिवाइड कर सकता है, चाहे ए स्क्वेयर को चाहे बी स्क्वेयर को, दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर हैं. सो रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर. सेकेंड क्वेश्चन है, 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर. प्रूव करना हमने इसको, तो इसमें भी हम इसको लेट
थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इक्वल टू है ए बाई बी, रैशनल नंबर। इसमें भी हम थ्री को दूसरी साइड में ले आए, यहाँ ये रहेगी संख्या थ्री, साइड में चलेगी, इसका हमने एलसीएम लेंगे। अब ए बाई टू माइनस के थ्री बाई वन आर रैशनल नंबर, रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। पीछे हमने वो दिखाया था आपको कि उसमें टू रूट फाइव इज इक्वल टू है ए बाई बी माइनस के थ्री। अब ये जो संख्या है, ये सारी की सारी जो संख्या, ये इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर इक्वल का निशान है, तो ये इसके इक्वल है, ये तो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते, तो रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये टू रूट फाइव नॉट इक्वल टू ए बाई बी माइनस थ्री बाई वन, सो थ्री प्लस टू रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक बटे दो दो वर्गमूल इज इरेशनल नंबर, इसको भी हमें लेट वन बाई रूट टू इज रैशनल नंबर ए बाई बी। इसमें लिखा हमने एक बटे वर्गमूल दो बराबर है ए बटे बी। अब ये नीचे वाली टर्म है, इसको हमने उल्टा कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, बी को ऊपर ले गए, ए को नीचे, रूट टू को ऊपर ले गए। यहाँ पर स्क्वेयर बोथ साइड कर दिया हमने, दोनों साइड में इसका स्क्वेयर करेंगे, बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर बराबर है रूट टू का स्क्वेयर। अब यहाँ पर तो बी स्क्वेयर हो गया, नीचे ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर रूट से रूट कट गया, दो बच गया। अब क्रॉस मल्टीपल कर दिया हमने, बी स्क्वेयर एज इट इज, दो की जो गुणा ए के साथ होगी ये हो गया। अब पीछे जो सवाल किया था उसी की तरह यहाँ पर जो टू है इसको डिविजिबल करेगा, बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई टू एंड बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू, पुट द वैल्यू ऑफ बी। अब यहाँ पर बी की वैल्यू हम और कुछ पुट करके देखेंगे, जैसे बी की वैल्यू पुट कर दी हमने टू के, तो यहाँ पे टू के पुट करेंगे, टू का स्क्वेयर कितना होगा फोर, यहाँ पर ये टू है, टू का स्क्वेयर फोर के स्क्वेयर इज इक्वल टू है टू ए स्क्वेयर, ये हो गया। इसमें यहाँ पे लिखा हमने फोर के स्क्वेयर इज इक्वल टू है टू ए स्क्वेयर, यहाँ से दो से इसको डिवाइड कर दिया हमने, टू पे काट दिया, टू के स्क्वेयर इज इक्वल टू है ए स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर इज इक्वल टू है टू के स्क्वेयर। ऊपर हमने पढ़ा था कि जो बी बी है, बी स्क्वेयर बराबर है दो ए स्क्वेयर, यहाँ पर दो बी को डिविजिबल कर रहा है, यहाँ पर जो दो है वो ए को भी डिविजिबल कर रहा है, लेकिन ए और बी दोनों को प्राइम है। अब इसमें देखो ए इज डिविजिबल बाई टू एंड ए इज आल्सो डिविजिबल बाई टू, बट ए स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर आर को प्राइम, तो ये दोनों के दोनों को प्राइम संख्या हैं, क्योंकि जो बटे की संख्या है वो को प्राइम होती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टू है वो एक संख्या को डिवाइड करेगा, टू इज डिविजिबल ओनली ए स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर, सो वन बाई रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। अब अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, प्रूव दैट 7√5 इज ए इरेशनल नंबर, लेट सेम एज इट इज, सभी क्वेश्चन में सेम प्रोसेस रहेगा। 7√5 को हम पहले क्या लेंगे, प्रीमेय संख्या, रैशनल नंबर है ए बाई बी, तो हमने लिया 7√5 बराबर है ए बाई बी, रूट 7 5 एज इट इज, 7 यहाँ पर मल्टीपल है तो इस साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब इस साइड में ए बटे 7b इज रैशनल नंबर, ये जो संख्या है ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन रूट फाइव, क्योंकि ये फाइव जो है प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वेयर रूट क्या होता है, इरेशनल नंबर, तो रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, बट ए बाई 7b इज रैशनल नंबर, तो ये दोनों की दोनों जो संख्या है ये इक्वल नहीं हो सकती, तो 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। इसका अगला पार्ट भी इसी प्रकार से है, प्रूव दैट 6√2 इज ए इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इसको अभी हम ए बाई बी के फॉर्म में लेंगे, तो 6√2 इज इक्वल टू है ए बाई बी, यहाँ पर 6 को परली साइड में लेके चले गए, माइनस का हो गया, यहाँ पर √2 एज इट इज रह गया, इस साइड में देखो अब जो √2 है इज इक्वल टू है ए बाई बी माइनस के 6/a आर रैशनल नंबर। अब ये जो संख्या है ये सारी की सारी रैशनल नंबर है, लेकिन टू क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का स्क्वेयर रूट क्या होता है, इरेशनल नंबर, तो ये संख्या
इरेशनल है और ये संख्या रैशनल है, तो रैशनल और इरेशनल संख्या आर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, तो 1/6 जो है ये इसके इक्वल नहीं होगा। ए बाई बी माइनस के 6/ इज नॉट इक्वल टू रूट टू, सो 6+√2 इज ए रैशनल नंबर। तो इस एक्सरसाइज के ये सभी क्वेश्चन थे, तो ये कंप्लीट हो गए। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम करेंगे।